good morning everyone as we know that our chapter number 11 is running from grade 7 science and today we are going to learn the part number 3 of that chapter and the name of the chapter is transportation in animal and plant so in this video we have to learn about the excretion system in animals now what is excretion system means that means a type of waste which is in our body by which system that waste is getting out that is excretion system so the animal uh, the saline animal release some waste product as they perform different function now we know that our body has to perform so many different functions so by that function some waste are produced in our body now this waste product are toxic and hence they must be removed from the body of the living organism and this product is maybe a toxic compound that's why we have to remove it from our body and now the process of the removal of this waste product is nothing else but a known as excretion system in animals then so the excretion system is nothing else but a process by which you remove waste from your body that is excretion system now what does excretion system contain so excretion system in a human beings contain four things here is

that is labeled also kidney ureter bladder and urethra so these are the component of excretory system now in detail excretory system have four things as we know that kidney urinary bladder ureter and urethra now these are two organ called kidney present in our body and this kidney is contain blood capillary that filter out the unwanted substance from the body in the form of urine now

अलग करने का काम करती है किडनी मतलब हमारे ब्लड को प्योर करती है ब्लड ब्लड में से अनवांटेड चीजें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का काम किडनी का है देन यूरेनरी ब्लैडर द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनी इज स्टोर इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरेनरी ब्लैडर अब किडनी ने जो यूरिन प्रोड्यूस किया है मतलब कि जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया है वो वेस्ट मटेरियल कहीं पे स्टोर तो होना चाहिए तो वो स्टोर करने का काम करती है यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर होती क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ब्लैडर लिखा हुआ है देन दैट इज यूरिनरी ब्लैडर ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर है जिनके अंदर यूरिन स्टोर होता है अब इसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि भाई एक लिमिट तक उस यूरिन को स्टोर कर पाएगा जब वो पूरी वो बैग पूरी भर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाएगा यू हैव टू गो वॉशरूम फॉर द यूरिन सिक्रीशन देन की एक कैपेसिटी तक आपकी बॉडी यूरिन uh, को स्टोर कर पाएगी फिर एक लिमिट आएगी कि भाई उस लिमिट पे आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा देन यूरेटर्स सो वॉट आर द यूरेटर्स दिस आर द टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी एन यूरिनरी ब्लैडर टूगेदर दे अलाउ पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लेडर अब यूरेटर्स क्या होते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि भाई किडनी और ब्लेडर उन दोनों को दो पतली सी नलियां ज्वाइन कर रही है जहां पे लेबल दिया हुआ है यूरेटर तो यूरेटर का काम क्या है तो यूरेटर इज नथिंग एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की भाई छोटी छोटी ट्यूब्स है जो किडनी और ब्लेडर को जोड़ने का काम करती है कि भाई किडनी में से जो यूरिन बना है उस यूरिन को ब्लेडर तक पहुंचाने का काम यूरेटर करता है डन

िस अब मैंने आपको समझाया कि किडनी क्या काम करती है ब्लड को प्योर करने का काम करती है मतलब ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है तो हमें भी पता है कि दो किडनी सबके पास होती है बट बाई चांस अगर किसी की किडनी खराब हो गई किडनी के अंदर इंजरी हो गई या तो कोई किडनी खराब हो गई तो फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्योर कैसे होगा ब्लड में से वेस्ट बाहर कैसे निकलेगा दैट इज अश्यू सो वी हैव टू लर्न दैट सो डायलिसिस इज दैट वन ओनली सो समाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इनफेक्शन और इंजरी इंजरी और इन्फेक्शन की वजह से इंसानों की किडनी खराब हो जाती है ना एंड एजल्ट ऑफ किडनीटिंग इन अ ब्लड की भाई किडनी खराब होने की वजह से क्या होगा आपका ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा उनके अंदर से वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा और अगर वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि वो वेस्ट ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट होता रहेगा जमा होता रहेगा डनी अब हमने पहले ही बोला था कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है दरअ टॉक्सिक वो टॉक्सिक होती है इंसान को मार सकती है तो क्या होगा कि इन पर्सन की बॉडी में से इस वेस्ट को निकालना क्या हो जाएगा कंपल्सरी हो जाएगा अगर आप ब्लड को प्योर नहीं करवाओगे वेस्ट बाहर नहीं निकालोगे द ह्यूमन शुड बी डाई तो प्योरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा उनकी किडनी तो वर्क नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनका ब्लड प्योर करना पड़ेगा और ये जो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड प्योर करने की जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस अब इस प्रोसेस में होता क्या है तो मोस्टली आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू मतलब मशीन्स के थ्रू ये वर्क होता है कि भाई जो भी पेशेंट है जिनकी किडनी वर्क नहीं कर रही है पहले उनको बेड पे लेटा देते हैं फिर उनके दोनों हाथ में नलिया लगाते हैं, आपको ड्रिप लगाने टाइम पे वो बाटला चढ़ाने टाइम पे कैसे सुई लगाते हैं वैसे दोनों हाथ में वींस ढूंढ के या तो वहां पे नलिया लगाते हैं तो फिर क्या करेंगे एक साइड से दोनों हाथ पे लगाइए ड्रिप लगाइए और क्या होगा एक साइड की जो ड्रिप है फॉर सपोज लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में ड्रिप लगी है तो पहले लेफ्ट हैंड, हैंड में जो ड्रिप लगी लग है लेफ्ट हैंड से क्या होगा मेरी बॉडी में से ब्लड बाहर निकलेगा मेरी मतलब जो इन्फेक्शन पेशेंट है उसकी बॉडी जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उस पेशेंट की बॉडी में से लेफ्ट साइड से ब्लड बाहर निकल रहा है फिर साइड में उन्होंने क्या रखा होगा एक मशीन रखा होगा ब्लड को प्योर करने के लिए तो वो लेफ्ट हैंड से ब्लड निकल के नली के थ्रू सीधा कहाँ पे जाएगा मशीन के अंदर जाएगा मशीन क्या करेगा वेस्ट को अलग कर देगा और ब्लड को प्योर कर देगा और ये जो प्योर ब्लड है वो वापस क्या हो जाएगा वापस एक नली से वो जो राइट हैंड में ड्रिप थी राइट हैंड के थ्रू अंदर चला जाएगा देन तो लेफ्ट हैंड से ब्लड बाहर निकला फिर मशीन में गया प्योर हुआ और फिर वो प्योर हुआ हुआ ब्लड राइट हैंड से उसी पेशेंट की बॉडी में अंदर डाल दिया तो इसी इस तरीके से डायलिसिस की प्रोसेस करके उस इंसान को जिंदा रखा जाता है उसका ब्लड प्योर करके तो दैट इज अ डायलिसिस प्रोसेस नाउ the facts these are the some facts if uh, anyone ever interested in general knowledge so this one is a fact that is not from your syllabus so maybe you can excrete out but those person who love to know more about the facts this one is just for them now the facts are an adult human being normally produces about 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours and that the urine consists of 95% of water 2.5% urea and 2.5% of the waste मटेरियल भी कोई जो अडल्ट ह्यूमन बींग होते हैं उनकी बॉडी में से पूरे दिन में मतलब चौबीस घंटे में एक या एक पॉइंट आठ लीटर मतलब एक से दो लीटर की रेंज का यूरिनेशन होता है मतलब एक लीटर या दो लीटर जितना यूरिनेशन उनकी बॉडी में से बाहर निकलता है और इस यूरिन में क्या होता है नाइन्टी फाइव परसेंट यूरिन होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है और टू पॉइंट फाइव परसेंट बाकी सारी वेस्ट प्रोडक्ट होती है नाउ द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर अब ये वेस्ट रिमूवल की प्रोसेस भी डिपेंड करती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर ज़्यादा होगा तो यूरिनेशन ज्यादा होगा ना फिशिज एंड एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इन द वाटर अब अगर आप फिश की ही बात कर लो या तो फिर एक्विटिक एनिमल्स की बात कर लो तो ये ऐसे एनिमल्स है जो एक्सक्रीजन भी कहाँ पे करते हैं पानी के अंदर भी करते हैं क्योंकि फिश वगैरह एक्सक्रीजन के लिए बाहर नहीं आ सकते वो बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे तो उनका एक्सक्रीजन भी कहाँ पे होता है पानी के अंदर ही आफ्टर दैट बर्ड्स स्नैक्स एंड लिजार्ड एक्सक्रीट सेमी सॉलिड व्हाइट कलर यूरिक एसिड की अगर आप बर्ड्स की बात कर लो स्नैक्स की बात कर लो लिजार्ड मतलब चिपकलिया की बात कर लो तो उनकी बॉडी की एक्सक्रूजन सिस्टम उनकी बॉडी में से जो यूरिन निकलता है दैट यूरिन इज अ व्हाइट कलर यूरिन हम बहुत बार देखते हैं कौए जो पोटी कर जाता है ना दैट इज ऑफ अट वाइट कलर डेन तो उनका यूरिन व्हाइट इन कलर होता है डेन ना अगेन देर इज अ वन मोर फैक्ट दैट हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस की हमारी बॉडी में हमें जो पसीना आता है डज इट यूजफुल और नॉट सो स्वेट कंटेन वाटर एंड सम सॉल्ट दैट हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑफ द बॉडी की भाई स्वेट सिक्रेशन में होता क्या है तो एक तो वाटर होता है और उसके साथ सोल्ट होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितने अनएक्स्ट्रा सोल्ट है जितने एक्स्ट्रा है जिनकी जरूरत नहीं है वैसे सोल्ट बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं विद्प ऑफ स्वेटिंग नाव ऑल्सो एस द स्वेट इओपरेट फ्रॉम आवर स्किन एट टेक्स अप आवर बॉडी हिट एंड दिस मेक्स अस फील कूल cool. अब जैसे ही स्वेट हमारी बॉडी में से इवोपरेट होगा बॉडी में से बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी में से गर्मी बाहर निकल जाएगी और गर्मी निकल जाने की वजह से हमारी बॉडी को एकदम ठंडी का एहसास हो गया स्पेशली दिस हैपन्स ड्यूरिंग द समर की समर के टाइम पे बहुत पसीना आता है और फिर ठंडी हवा मिलती है ना कहीं से पंखा पंखे के नीचे वगैरह जाता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी ठंडी हो जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग ओके थैंक यू एवरी वन हैव अ गुड डे